हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ क्रिस्पी करारी परफेक्ट इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जलेबी का टेक्सचर, कलर बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है और हलवाई जैसी, बाजार जैसी जलेबी आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं आपको एक जलेबी तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि जलेबी कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर रेसिपी को फॉलो करके आप जलेबी बनाएंगे तो डिट्टो ऐसे ही जलेबी बनकर तैयार होगी, रसीली और बिल्कुल करारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ पे ली है 1.5 कप चीनी, 1.5 कप। मैं यहाँ पे 1 कप मैदे की जलेबी बनाने वाली हूँ। तो जितना मैंने चीनी लिया है उसका आधा हमें इसमें पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ऑप्शनल है, पसंद है तो डालिए। और साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी खाने का रंग। मैं यहाँ पे लेमन येलो फूड कलर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑरेंज रेड या फिर केसर के धागे भी डाल सकते हैं कलर के लिए, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। या फिर कुछ भी नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, बहुत मस्त कलर आएगा। तो यहाँ पे चाशनी को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। पहले हिलाते हुए चीनी को गला लेंगे। तो चीनी अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 छोटा सा नींबू का टुकड़ा या फिर 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू के कारण चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो चाशनी में अच्छा उबाल आ चुका है। चाशनी को 5 मिनट तक हम उबाल लेंगे। तो हमें जलेबी के लिए ना तो पतली चाशनी बनानी है और ना तो गाढ़ी चाशनी बनानी है। मतलब अगर आप पतली चाशनी बनाएंगे तो आपकी जलेबियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉगी हो जाएंगी, और चाशनी अगर गाढ़ी होगी तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगी। तो जलेबी के लिए आपको 1/2 तार की चाशनी बनानी है, पूरा 1 तार भी नहीं बनना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि चाशनी में 1/2 तार बना है या नहीं बना है? तो जब आप चाशनी को इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में रखेंगे तो आपको हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होगी। तो बस 5 मिनट मैंने चाशनी को उबाल लिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है। नींबू के टुकड़े को मतलब साइड में रख देंगे और चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे जलेबी के लिए बैटर। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा सा बाउल, उसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालना ऑप्शनल है, लेकिन नमक डालने से फ्लेवर बहुत उभर कर आता है जलेबी का। जो जलेबी खाकर मीठा मीठा सा मन हो जाता है वैसा नहीं होगा अगर आप इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ में मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच देसी घी, जिससे हमारी जलेबियों में करारापन आएगा। और साथ ही साथ 1 चुटकी खाने का सोडा, क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही। तो दही यहाँ पे मैंने थोड़ी खट्टी यूज की है। अगर आपकी दही में खटास कम है तो थोड़ी ज़्यादा दही भी आप यूज कर सकते हैं। और दही डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेटेंगे, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, पहले मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब 1/4 कप पानी मैं और ले रही हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे दही थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, अच्छे से फेटते हुए हम जलेबी का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं ये काम हाथ से कर रही हूँ। आप चाहे तो विस्क से भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। तो 1 कप मैदे की जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही और 1/2 कप पानी का यूज किया है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप ज़्यादा दही डालेंगे तो पानी थोड़ा कम लगेगा, और दही की क्वांटिटी अगर आप इसी हिसाब से लेंगे तो आपको पानी भी इतना ही लगेगा। बस बैटर को बहुत अच्छे से फेटना है। तो आप देख सकते हैं बैटर को मैंने बहुत अच्छे से फेट लिया है। लेस बहुत अच्छी बन रही है। जब आप बैटर को इस तरह से गिराएंगे तो ये फटाफटा सा गिरेगा। ये परफेक्ट निशानी होती है जलेबी के बैटर की। बिल्कुल रनी बैटर नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 केचप का बॉटल, इसमें हम भर लेंगे बैटर को। आप चाहे तो दूध की थैली ले लीजिए, पाइपिंग बैग ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है आप उसमें जलेबी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भर लिया है। एक तरफ मैंने पैन भी रख दिया है, क्योंकि जलेबी को फ्राई करने के लिए आपको किसी भी फ्लैट बर्तन का यूज करना है, फ्लैट कढ़ाई का यूज करना है। यहाँ पे मैं पैन का यूज कर रही हूँ।
तो पैन मेरा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो तेल भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है जलेबी बनाने के लिए, मुश्किल से ये 1/4 इंच तेल मैंने लिया है कढ़ाई में, मतलब पैन में। और पहले डालकर चेक कर लेंगे कि तेल गर्म है या नहीं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे जलेबियाँ फ्राई नहीं की जाती हैं। तो पहले हम तेल में थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तेल अगर ठंडा होगा तो जलेबियाँ फ्लैट बनेंगी, और अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जलेबियाँ फैल जाएंगी। तो तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तो आप देख सकते हैं गोल गोल प्यारी प्यारी जलेबियाँ बन रही हैं। जलेबियाँ जब आप तेल में बनाएंगे तो वो जाकर नीचे बैठेंगी और फटाफट फूलकर ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो जलेबियों को हम मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छा करारा होने तक सेकेंगे। और अगर आप पहली बार जलेबी बना रहे हैं तो हो सकता है कि शेप परफेक्ट नहीं आए। जब आप एक दो बार बनाएंगे, मतलब एक दो बैच जलेबी निकालेंगे, तो अपने आप बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जलेबियाँ बनने लगेंगी। तो जलेबियाँ जब एक तरफ से सिक जाएं तो उसे दूसरी तरफ से पलट दें इस तरह से किसी चिमटे की मदद से। तो दोनों तरफ से हम मीडियम फ्लेम पे ही जलेबियों को सेकेंगे। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो आपको तुरंत तुरंत तो जलेबियाँ करारी लगेंगी, लेकिन बाद में वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जलेबियों में अच्छा गुलाबी कलर आ चुका है, चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जलेबियों को चाशनी में डाल दिया है। मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगता है चाशनी एब्जॉर्ब करने में जलेबियों को। तो ये देखिए थोड़ा सा हम उसे दबा देंगे किसी चमचे की मदद से, इस तरह से प्रेस कर देंगे और 5 से 10 मिनट में इसे निकाल लेंगे हम बाहर। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि चाशनी कितने अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हुई है और जलेबी भी बहुत ही रसीली बहुत टेस्टी बनी है। तो ये देखिए क्योंकि जलेबी के बैटर में हमने कलर नहीं डाला है, तो चाशनी अगर अच्छे से एब्जॉर्ब होगी तो जलेबियाँ दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म गोल गोल जलेबी, रसीली करारी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, कभी कभी खाने का मन करता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट जलेबी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको एक बैच और बनाकर दिखाती हूँ जलेबियाँ। आप अगर पहली बार जलेबी बना रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी शेप में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप एक दो बैच अच्छे से निकाल लेंगे उसके बाद तो परफेक्ट जलेबी बनेगी। तो ये देखिए कितने अच्छी जलेबी बन रही है। तो इसी तरह से मैंने सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए। और इसी तरह से गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी जलेबी कैसी बनी। तो ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे जो मैंने बीच में दो जलेबियाँ डाली हैं लास्ट में, मैं वो आपको दिखाने के लिए डाली है मैंने, कि तेल यहाँ पे जलेबियाँ बनाने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया था, तो जब हम ठंडे तेल में जलेबियाँ बनाएंगे तो वो फ्लैट बनती हैं। आप देखिएगा वो जलेबियाँ फूल कर ऊपर नहीं आई हैं फटाफट, तो वो थोड़ी फ्लैट हो गई है, वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये देखिए ये दोनों जलेबियाँ आपको थोड़ी फ्लैट दिख रही होंगी और जलेबियों की अपेक्षा। तो आपको तेल परफेक्ट गरम लेना है, चाशनी अच्छे से बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है और पतली भी नहीं बनानी है, बस जैसा मैंने वीडियो में बनाया है आप उसी तरह से जलेबियाँ बनाइए, बहुत ही टेस्टी जलेबी बनेगी। आप बार बार रेसिपी को ट्राई करेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट और गर्मा गर्म जलेबी घर में बनकर तैयार। तो ये देखिए दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। और आप मुझसे कुछ भी स्पेशल बनवाना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो जलेबियों का ये दूसरा बैच भी मैंने चाशनी में डाल दिया है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड हम इसे चाशनी में रखेंगे, एक चमचे से हल्का सा दबाएंगे और जलेबियाँ चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन जलेबियों को 1 घंटा 2 घंटा रख कर भी बाद में खाएंगे तब भी ये करारी बनी रहती हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।
बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।